हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच और लीगल अप्रोच में काफ़ी हद तक काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट येट इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज़ डिफरेंट फ्रॉम लीगल अप्रोच। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में से, बट कुछ अप्रोचेज ऐसी भी होती हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिर भी पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट आप इसको लास्ट के लिए, रिवीजन के लिए छोड़ देना। जब आप रिवीजन करोगे, पहले सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेना, उसके बाद लास्ट में ये कवर करना, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, इनफैक्ट पूछे ही नहीं गए हैं ऐसे। ठीक है, दिस इज़ आर वेबसाइट synopsisis.in। तो यहाँ पर आप जाओगे, अलग अलग कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ऑप्शनल में PSIIR कोर्स आप देख सकते हो यहाँ पर, एंड बेसिक लेक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं यूट्यूब पर, और जो एडवांस लेक्चर्स हैं उनके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो एंड यू कैन परचेज द कोर्स। एडवांस लेक्चर्स में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये सारी अप्रोच, किस तरीके से क्वेश्चन को आंसर करना है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, तो एडवांस लेक्चर्स जो है वो फुल कोर्स का पार्ट है। तो जो ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, देखो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच काफ़ी मेजर अप्रोच है और फिलोसफिकल अप्रोच के बाद ही इसको माना जाता है। लीगल अप्रोच से काफ़ी मिलती जुलती अप्रोच है और ट्रेडिशनल अप्रोचेस में ही आती है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोचेस, देखो अप्रोचेस जो हैं वो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, दो तरीके से डिवाइड की जाती हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में वही आ जाती हैं आपकी नॉर्मेटिव अप्रोच आ गई, एम्पेरिकल अप्रोच आ गई, आप हिस्टोरिकल अप्रोच आ गई, हिस्टोरिकल में कंटेक्चुअल आ गई, टेक्सचुअल आ गई, उसके बाद आपकी लीगल अप्रोच है, फिर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, ये सारी आ जाती हैं। मॉडर्न में फिर आएगी आपकी बिहेवियरलिस्ट अप्रोच है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म आएगी, इसमें इसके अंडर भी सिस्टम्स अप्रोच आ जाती है। ठीक है, साथ में स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच आ जाती है, तो ये सारी अप्रोचेज आती हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं जैसे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो काफ़ी हद तक लीगल अप्रोच से सिमिलर है, बट फिर भी काफ़ी डिफरेंट है। बट अगर हम पॉलिटिक्स को एक सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ने पॉलिटिक्स की स्टडी को एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी जो है वो इसी ने ही प्रोवाइड की है। तो ये अप्रोच जो है बेसिकली बहुत सारे डिसिप्लिनस पर फोकस करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो हो गया आपका फिलोसफी, फिलोसफी पर फोकस करती है, देन आपका हिस्ट्री पर फोकस करती है, लॉ पर फोकस करती है, कि ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको पॉलिटिक्स को अच्छे से स्टडी करना है, पॉलिटिक्स को समझना है, इसके बारे में ये बात करती है। अब जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स पर काफ़ी फोकस करती है, उनकी स्टडी पर काफ़ी फोकस करती है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स कौन से हो गए आपके, एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर हो गया आपका, जुडिशरी हो गया, देन आपकी आ गई पॉलिटिकल पार्टीज़, है ना, उसके बाद आता है आपके इंटरेस्ट ग्रुप्स आ गए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन पर ये फोकस करती, ठीक है। तो कुछ एंशियंट थिंकर्स थे जिसमें से एरिस्टोटल जो है उनको सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर माना जाता है इस अप्रोच के लिए, कि उन्होंने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया था इस अप्रोच में। और भी मॉडर्न थिंकर्स थे जैसे कि आपके हैं जेम्स ब्रायस, तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देती हूँ सो दैट आप नोट कर सकते हो कुछ इम्पॉर्टेंट थिंकर्स यहाँ पर, जैसे कि हैं जेम्स ब्रायस, वॉल्टर बेजहॉट, हेरोल्ड लास्की। ये कुछ इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में। ये थिंकर्स आप राइट डाउन भी कर सकते हो, नोट कर सकते हो। अब एरिस्टोटेलियन पीरियड से ये अप्रोच जो है वो चलती आ रही है, जब एरिस्टोटल ने जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया, क्लासिफाई कर दिया था, तो तब से ये चीज़ चली आ रही है। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स जो है उसको कैसे डिफाइन किया गया था, कि जब हम स्टेट की स्टडी करते हैं या गवर्नमेंट की स्टडी करते हैं उसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो खुद में ही एक इंस्टीट्यूशन है, उसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हो गए इन्हीं को ही हम इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। अब ये अप्रोच जो है इसी वजह से बहुत ही लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, इसीलिए लीगल अप्रोच से काफ़ी हद तक सिमिलर है। बट ये अप्रोच जो है वो
गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझती है, उसके अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में समझती है, कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करती है, तो ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की जाती है कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स पढ़ेंगे, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझना, अलग अलग ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में समझती है। अब जब भी हम क्लासिफाई करते हैं गवर्नमेंट को, एरिस्टोटल के पीरियड से स्टार्ट करते हैं अगर हम क्लासिफाई करना गवर्नमेंट को, तो कैसे क्लासिफाई करते हैं, जब एरिस्टोटल का पीरियड था तब गवर्नमेंट जो है किस प्रकार की थी, मोनार्की, क्लासिफिकेशन है ये, मोनार्की, टेरेनी, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, देन ओलिगार्की, राइट, उसके बाद है आपका पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी। इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते थे एरिस्टोटल के टाइम पे। अब आज के टाइम पे अगर हम बात करें मॉडर्न क्लासिफिकेशन किस तरीके की है, तो आज के टाइम पे क्लासिफिकेशन होती है डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, कुछ जगह पर डिक्टेटरशिप भी है ना, फिर पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद यूनिटरी एंड फेडरल, इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। अब गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि कितने लेवल्स हो गए, एक फेडरल लेवल है, एक प्रोविंशियल लेवल है और एक लोकल लेवल है। अलग अलग ब्रांचेस जो है गवर्नमेंट की उसको भी हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, ये सारे जो क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट की उसको हम क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद हम कॉम्पोजिशन समझते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए, जितनी भी ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की कॉम्पोजिशन, ये चीज़ भी इसी में ही आती है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं कॉम्पोजिशन। आफ्टर दैट पावर्स क्या होती हैं, पावर्स जो है गवर्नमेंट की उसको हम क्लासिफाई करते हैं। अब सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनके इंटर रिलेशनशिप्स क्या हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटर रिलेशनशिप्स ये हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आते हैं, ये सारी चीज़ें जो मिलकर हम समझते हैं, तो उसके बाद हमें पता लगता है कि ये अप्रोच जो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ये सारी चीज़ों से डील कर रही होती है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो फैक्ट्स का एक डिस्क्रिप्शन देती है, ठीक है, इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन दे रही होती है फैक्ट्स का। तो इसी वजह से अगर एक अप्रोच इलैबोरेटली फैक्ट्स को डिस्क्राइब कर रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर नॉर्मेटिव अप्रोच से एम्पेरिकल अप्रोच में ये शिफ्ट देखा जा रहा है। नॉर्मेटिव अप्रोच तो फिलोसफिकल चीज़ों के बारे में बात करती है, पर फैक्ट्स पे कौन फोकस करता है, एम्पेरिकल अप्रोच। इसी वजह से इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के थ्रू हम लोग ये शिफ्ट देख सकते हैं नॉर्मेटिव टू एम्पेरिकल का, ठीक है। साथ ही साथ हिस्टोरिकल से कंटेम्प्रेरी भी हम लोग एक शिफ्ट देख सकते हैं, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस की बात करें तो हिस्टोरिकल से कंटेम्प्रेरी, क्योंकि हमने अलग अलग चीज जब हमने क्लासिफाई किया गवर्नमेंट्स को, तो क्या किया हमने कि पुराने टाइम पे एरिस्टोटलियन टाइम पर किस तरीके से गवर्नमेंट थी और आज के टाइम पे कंटेम्प्रेरी टाइम पे मॉडर्न टाइम पे किस तरीके से है, तो वो हमने क्लासिफाई कर दिया। तो हिस्टोरिकल से हम कंटेम्प्रेरी उस पर हम लोग शिफ्ट करने लगे हैं, ठीक है। जबकि अगर हम देखा जाए तो ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो डिस्क्रिप्शन पर ज़्यादा फोकस करती है रादर देन एक्सप्लेनेशन, तो डिस्क्राइब ज़्यादा करती है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर ज़्यादा फोकस करती है। इसी वजह से ये कंटेम्प्रेरी अप्रोच में तो नहीं आती, क्योंकि कंटेम्प्रेरी अप्रोच में डिस्क्रिप्शन नहीं चलता है, एक्सप्लेनेशन चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर बात की गई हैं। अब कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस अप्रोच के, कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि ये इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर देती है और इंडिविजुअल को ये निग्लेक्ट कर देती है। अब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसकी स्टडी को ये इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती है, साथ में वायलेंस का क्या रोल है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स का क्या रोल है, एजिटेशंस है, रेवोल्यूशंस, वॉर, इन सब के रोल्स पर भी ये इतना फोकस नहीं कर पाती है। तो इनके रोल जो है वो आप कह सकते हो कि ये निग्लेक्ट हो जाते हैं,
कि क्या रोल्स हैं इनके, क्योंकि ये उस स्फीयर में आते ही नहीं हैं जिस स्फीयर की हमने बात की थी, जिस स्फीयर से हमने गवर्नमेंट्स को क्लासिफाई किया था, उसके ऑर्गन्स को क्लासिफाई किया है, उनकी पावर्स को क्लासिफाई किया है। साथ में ये जितने भी इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स कौन से हो गए, आउटसाइड द गवर्नमेंट जो चले गए, अब गवर्नमेंट के अंडर जो चीज़ नहीं आ रही है वो यहाँ पर अब फेल हो रही है, निग्लेक्ट हो रही है, तो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं। और ऐसे प्रोसेसेस जो कि पॉलिटिक्स को शेप भी करते हैं, एनजीओज हो गए, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो उनके रोल्स जो है वो निग्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट इन ड्रॉबैक्स के बावजूद इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है पॉलिटिक्स को समझने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पॉलिटिक्स का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी हम लोगों की। बाकी कोर्स डिटेल्स के लिए आप जा सकते हो synopsisis.in की वेबसाइट पर फॉर रजिस्ट्रेशन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ऑल्सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियरलिज्म के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक हम लोग अच्छे से समझेंगे, मॉडर्न अप्रोचेज में आता है। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।